उत्तराखंड के देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स में हुई डकैती के मामले में दून पुलिस के हाथ 11 दिन बाद भी खाली हैं। देहरादून पुलिस ने भले ही डकैतों को सहयोग करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी पांचों डकैतों समेत माल को बरामद करने में नाकाम रही है। आलम यह है कि घटना के 11 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार और पुलिस व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है, सुरक्षा के बड़े बड़े दावों को खोखला बता रहा है। और हालांकि भाजपा अपने सरकार का बचाव करते हुए घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी की ढांढस दे रही है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को राजपुर रोड पर दिन दहाड़े 5 हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। दुकान में मौजूद कर्मचारियों समेत 4 अधिकारियों को भी बंधक बना लिया था और बहरहाल पूरे मामले में केवल पुलिस 2 आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और गैंग का पता लगा रही है। और ऐसे में देहरादून पुलिस के लिए इस घटना में शामिल डकैत और लूटे गए माल को बरामद करना एक बड़ी चुनौती बनी है। देखिए, इसमें बिल्कुल सतर्कता के साथ जो हमारी पुलिस विभाग है वो टीम लगी हुई है, पूरे चिन्हित कर लिए गए हैं और अपराधी बिल्कुल बचेंगे नहीं। आपने देखा होगा पहले भी कई इस तरह के अगर कहीं कोई भी वारदात हुई है, कोई भी घटना हुई है, 24 घंटे के भीतर जो है पुलिस प्रशासन ने उसका उजागर कर दिया है। ये ऐसी घटना है बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा एक गैंग इसमें शामिल है और इसको जिस प्रकार से चिन्हित कर लिया गया है तुरंत इसको कुछ ही दिन में अभी पर्दाफाश भी हो जाएगा और निश्चित रूप से अपराधी कहीं भी छुपा हो वो बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये हमारा पुलिस प्रशासन इसमें बहुत काम कर रहा है। सरकार का नियंत्रण है ही नहीं पुलिस महकमे में, गृह मंत्रालय अक्षम बन गया है, कोई उसका रखवाला नहीं रहा गृह मंत्रालय का, और डीजीपी का तो पता ही नहीं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे क्या करते हैं। और सरकार को चाहिए था कि इतनी बड़ी डकैती होगी और राष्ट्रपति महोदय यहाँ हैं, शहर में हैं और उनकी नाक के नीचे डीजीपी दफ्तर के बगल में इतनी बड़ी डकैती बढ़ गई और पुलिस बेखबर पड़ी है। सभी स्रोतों से जानकारी और जितने हमारे सर्विलांस टीम और सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर टीम ने बंगाल से ये प्लस बिहार से भी 2 लोग को पकड़ा है जो अभियुक्तों को लॉजिस्टिक उपलब्ध कराते हैं, चाहे किसी भी रूप में उनकी मदद करना पीछे से पैसे के रूप में या अन्य वाहनों को या अन्य चीज़ों को उपलब्ध कराना, उनको भी वहाँ से वारंट भी पर यहाँ पर देहरादून माननीय न्यायालय में आज पेश किया गया है, जो इनकी रिमांड ली जाएगी। साथ ही साथ इसमें 2 अभियुक्त जिनके चिन्हित किए गए थे वो जो पूर्व में भी अन्य घटनाओं में मानते थे उस पर 2-2 लाख का अरेस्ट पर इनाम भी पुलिस मुख्यालय द्वारा घोषित किया गया।